हेलो गाइस, केपी एयर KP004 में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने खड़ी है TVS की तरफ से आने वाली रोनिन 25, यही नाम है इसका। इसकी प्राइसिंग क्या है? रोनिन 225 ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल की जो प्राइसिंग है 2 लाख रुपीज़ है, और बेस मॉडल की जो है वो 170 है। तो प्राइसिंग आपको बताई थी मैंने, और बाकी भाई ओवरऑल एक बार व्यू दे दूँ मैं इसकी। देखो भाई मीटर कंसोल, देखो ऐसा है इसमें कुछ। तो भाई ये साहिल भाई आपने दोबारा अपनी अपने साथ आ चुके हैं, तो कुछ खासियत बता दो इनकी। सेम इसके अंदर आपको जो बेस मॉडल है, हाँ जी, सिंगल कलर टोन मिलेगा उसके अंदर। जो शॉकर होंगे सेम आधा 310 की तरह ही अप एंड डाउन शॉकर मिलेंगे। USD फोक्स मिलते हैं, देख लो आपको गोल्डन कलर में। सेम सिटी और ऑफ रोडिंग दोनों कर सकते हो आप इससे। जो फ्रंट में डिस्क मिलेगा सेम आधा 310 की तरह, इसके अंदर रोटो पेडल नहीं होगा, लेकिन 300 mm का मिलेगा डुअल चैनल ABS के साथ। हाँ जी, TVS के टायर रहेंगे इसके अंदर, ड्यूरेबल टायर रहेंगे। LED लाइट मिलती है आपको फुली, और इसमें आपको देखो टी का लोगो मिल जाता है। टी मतलब वो TVS का वो है, तो ब्रांड लोगो टाइप मान सकते हो आप। बाकी इसमें ये इंडिकेटर्स भी LED मिल रही है, और बाकी सेम इसके अंदर भी आपको आधा 310 की तरह ही सारे हैजर्ड लाइट मिलती है आपको। हैजर्ड लाइट लीवर एडजस्टेबल मिलेंगे आपको, अपने तरीके से आप सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हो। सेम ब्रेक लीवर के साथ भी सेम ही है, सॉफ्ट हार्ड कर सकते हो। ये आपका किल स्विच है, ये मोड है, इसके अंदर दो मोड आते हैं, अर्बन और आपका रेन मोड। हाँ जी, और भाई इसकी उसके लिए लाइट के लिए सेल्फ हो गया आपका। हाँ जी, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट। यस, तो मेन चीज़ मैं इसकी बता दूँ, इसमें फुल मेटल बॉडी मिलती है, फुल मेटल बॉडी। ये भी मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, बम्पर तक मेटल है भाई इसके। मैं बम्पर कह रहा हूँ, मडगार्ड तक मेटल है, ये भी मेटल है। हाँ यार, लग गई मेरे खुद ही। बाकी भाई ओवरऑल लुक तो मैंने आपको दे दी। तो और क्या क्या? 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है। हाँ जी, ठीक है। जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल बना रोनिन का, इसके अंदर डुअल चैनल ABS मिलेगा। जो बेस वाला होगा उसके अंदर सिंगल चैनल ABS मिलेगा। जो बेस प्लस होगा उसके अंदर डुअल टोन कलर हो जाएगा, जैसे शॉकर आपके गोल्डन कलर के हो जाएंगे। हाँ जी, टंकी पे आपको ऊपर सिल्वर और ब्लैक। बेस मॉडल में ऐसे शॉकर नहीं मिलेंगे? नहीं, उसके अंदर ब्लैक मिलेंगे आपको, मतलब लेकिन मिलेंगे USD फोक्स ही। इसके अंदर ऑयल कूल्ड दे रखा है, ऑयल कूल्ड इंजन है, देखो रेडिएटर भी है। बाकी और कुछ जो इसमें स्पेशल हो? साइड टेंट कट ऑफ दे रखा है इसके, जो है आप ऑफ रोडिंग और सिटी दोनों यूज़ कर सकते हो। कंफर्ट राइडिंग है, कंफर्ट राइडिंग है भाई। इसका राइडिंग पोस्चर भी जो है वो एकदम कंफर्टेबल है। और भाई ये तक इसमें मेटल दे रखा है भाई, शीशे तक। अब मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, वो एडजस्टेबल है भाई, अकॉर्डिंग टू तुम एडजस्ट कर सकते हो। बाकी हेडलाइट की थ्रो कैसी है इसकी रात में? बहुत अच्छी हेडलाइट है, जैसे आधा 310 की होगा वैसे फोकस सेम इसका है, क्योंकि मेन जो पर्पस है ऑफ रोडिंग के उससे बनाएगा कंपनी। हाँ जी भाई, बाकी देख लो इसमें हॉर्न भाई, टीवी वो एंडॉक वाला हॉर्न है? नहीं, मोटा वाला है, सबसे मोटा वाला है, डीप जो उसके दूर तक आएगी आप। हाँ जी, बाकी भाई ये देखो, सबसे जो मेन इसके लुक इनहेंस कर रहा है ना, वो USD फोक्स है, क्योंकि एकदम वो फ्रंट में आ गया और यूँ ऐसा लग रहा है कि डुगाटी स्क्रैम्बलर है, दूसरे डुगाटी स्क्रैम्बलर जैसी लुक दे देती है। बाकी रोनिन इसका नाम है, दिखा दिया मैंने आपको। बाकी पीछे इसमें LED मिल जाती है, एकदम सी टाइप की LED मिलती है, जैसे सी शेप की, देख लो। और बाकी ये स्क्रैम्बलर जैसी लुक देती है, मैंने आपको 3-4 बार बताई दिया। यहाँ पे स्टैंड ऐसा मिल जाता है कुछ। कितने गियर मिल जाते हैं इसमें? इसके अंदर 5 पाँच ही गियर हैं। पावर स्पेक्स कितने हैं इसकी? पावर स्पेक्स है इसकी 17 31 31 BHP और 21 BHP और टॉक इसका 17 mm को टॉक है इसमें। और बाकी भाई इंजन इसमें तो वो नॉर्मल वाला ही है, रिवर्स इंक्लाइंड नहीं है, रिवर्स इंक्लाइंड नहीं है। हाँ जी, और बाकी सीट खुल जाती है, कुछ स्टोरेज है इसके अंदर या नहीं है? नहीं, नॉर्मल ही है सीट खुल। तो भाई यहीं तक की थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और KP004 को सब्सक्राइब करना ना भूले।